नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कल खिचड़ी का त्यौहार था ना, आप सब ने खूब बरम गौरा जम के खाए होंगे, और कुछ कुछ लोगों ने तो इतनी ठंड में गंगा भी नहाए होंगे, मन्नत भी बहुत सारी मांगे होंगे। लेकिन आप लोग ये बताइए, जो प्रेम का मेला होता है, आप वहाँ पर गए हैं घूमने कि नहीं? हाँ, अपने बुंदेलखंड का खास मेला जो भूरागढ़ में लगता है, जो प्रेमी और प्रेमियों के लिए खास माना जाता है, 14 तारीख के दिन लोग वहाँ पर भी जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग गए थे होंगे, क्योंकि मुझे पता है जो प्रेमी प्रेमिकाएँ हैं वो लोग इस मेले को मिस नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है या नहीं गए हैं, वो एक बार ज़रूर से जाएं। तो दोस्तों, मैं आपके भेजे गए सवालों को पढ़ती हूँ और उनके जवाब देती हूँ, क्योंकि अगर मैं और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करती हूँ तो फिर सवाल बहुत कम ले पाती हूँ। मुझे लगा ये सो अगर आपके लिए है, आपके साथ बातचीत करने के लिए है, तो क्यों ना मैं सिर्फ आपके सवालों पर ज़्यादा ध्यान दूँ, उनको ज़्यादा पढ़ूँ और आपसे खूब सारी बातें करूँ। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। तो दोस्तों, एक खबर लहरिया में जो हमारा शो चलता है, जिसका नाम है राजनीति रस राय, इस शो में कहानी के पीछे क्या राजनीति होती है, पहले हम रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्टिंग के बाद जो मुद्दा समझ में आता है या मुद्दे के पीछे की किस तरह की राजनीति है, उस पर शो किया जाता है। इस बार का जो मुद्दा था, जो पिछला हफ्ता निकल चुका है, उस शो का जो मुद्दा था वो था कि जो अन्ना गायें हैं बुंदेलखंड में, बहुत सारे अन्ना जानवर इधर उधर टहलते रहते हैं, बहुत सारे जानवर तो मर भी गए हैं, आप लोगों को पता भी है। खासकर जो बुंदेलखंड में गायों की स्थिति है वो आप सब जानते हैं। एक बेहतरीन रिपोर्टिंग हुई इसके बारे में, और बाद में हमारी जो रिपोर्टर हैं उन्होंने इस पर शो किया। ये शो ये था कि जो अन्ना गाय हैं जो इधर उधर भटक रही हैं, जो कुढ़ रही हैं, जो मैं क्या बोलूँ, एकदम से अपंग हैं या तो कुपोषण है उन गायों में, उन गायों को सरकार ने बहुत सारे लोगों के घरों में, मतलब खूंटों में बंधवा दिया। सरकार ने कहा कि जिनके घर में बच्चे कुपोषित हैं वो लोग इन गायों का दूध पिलाएं, और ये दूध पीने से उनके बच्चे कुपोषण से दूर हो जाएंगे। ये शो आप लोगों ने पसंद किया, इस शो का मैं एक कमेंट आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं, जिनका नाम है द्रवेंद्र कुमार, द्रवेंद्र कुमार जी लिखते हैं, जितना पैसा सरकार तालाब और गाय भैंसों के बांधने के लिए हर पंचायत में खर्च कर रही है, वही पैसा हर ग्राम पंचायत के गांव में 10-10 किसानों को दिवा दे तो शायद एक भी गाय आवारा नहीं मिलेगी। यह बात मेरी समझ में सही है, आपकी समझ में सही है या नहीं? द्रवेंद्र जी, आपकी ये जो बात है ना, वैसे तो 100% सही है कि सरकार हर ग्राम पंचायत में बहुत पैसा देती है। वैसे हमने इसका भी रिव्यू किया, खबर किया है कि जो चारा भूसा का पैसा आना चाहिए वो पैसा प्रधानों के खाते में नहीं आया है। बहुत सारे प्रधान हैं जिन्होंने गौशाला से गायों को निकाल दिया है। उनका कहना कि सरकार ने शुरू में बोला था कि वो पैसा देगी लेकिन हम नहीं दे रहे, तो वो भी एक अलग तरह का घोटाला है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम में जो मजदूर बाहर कमाने के लिए गए थे वो लोग वापस आए, वो प्रवासी मजदूर अब भूखमरी के कगार पर हो गए थे। अब दोबारा से ये मजदूर फिर से परदेश गए हैं, पलायन किए हैं। हमें लगा कि क्यों ना हम इनसे एक बार मिलें और जाने कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जब वो लोग पैदल चल के आए और अब क्यों जा रहे हैं उन्हीं जगहों में काम करने के लिए। तो इस स्टोरी को हमने अपने यूट्यूब चैनल में भी पब्लिश किया। ऐसी कई
स्टोरियों में काम करने के लिए हमारे साथ में द्वारा नाम की संस्था ने पार्टनरशिप किया है। उनके साथ में हमने ये काम किया है और बाद में स्टोरी जब पब्लिश हो गई फिर हमने एक लाइव चर्चा किया। इस चर्चा के लिए जो लोग मजदूरों के संगठनों के साथ में काम करते हैं उनके एक्सपर्ट को बुलाया गया। हमारी टीम की एक सदस्य थी और द्वारा के लोग थे, उस पर लंबी चर्चा हुई और इस चर्चा को आप लोगों ने पसंद किया, हमें अच्छा लगा। इसके जो सवाल आए हैं वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है चुन्ना लाल। चुन्ना लाल जी लिखते हैं कि किसी स्थिति में अगर गरीबों को परेशानी होती है तो उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं और वह अगर बैंक से लोन भी लेना चाहते हैं तो उन्हें बैंक भी लोन नहीं देता है और मोदी जी कहते हैं कि आधार कार्ड से गरीबों को लोन प्रवाहित किया जाए, मगर बैंक जाने पर मैनेजर बात भी नहीं करता गरीबों से। चुन्ना लाल जी, ये जो लोन की बात है और जो सरकार ने बोला था कि प्रवासी मजदूरों के लिए वो पैसे देगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें इन योजनाओं में आई हैं और मैंने जो देखा जितनी भी योजनाएं लॉकडाउन के बाद लागू की गई हैं या जो घोषणा की गई हैं वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ हवा हवाई है या कागज़ बस में है। लोग खुश तो हो गए थे इन योजनाओं को देख करके और उनको एक उम्मीद भी जगी थी, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत तो आपने हमारी स्टोरी में और इस लाइव चर्चा में देख ही लिया है। तो गरीब उसी तरह से परेशान हैं। सरकार चाहती तो बहुत कुछ है कि वो गरीबों को लिए दे और देते भी है, लेकिन जो बीच के बिचौलिए हैं, जो विभाग है, जो अधिकारी है, वो गरीबों तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंचने देता है। तो फिर से मैं कहूंगी कि सरकार जो योजनाएं लागू करती है उसको अगर एक बार पलट करके देखे, अगर रिव्यू करे तो हो सकता है कि वो इसमें सुधार कर सकती है। बोलेंगे बुलवाएंगे, हंसकर सब कह जाएंगे, ये वाला शो तो आप लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पिछले एपिसोड का जो इस शो का मुद्दा था वो ये था कि महिलाओं के लिए सिंदूर लगाना या बिंदी लगाना क्यों अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि जो कहते हैं कि शादी के बाद औरत सुहागिन हो जाती है और वो कोई ना कोई चिन्ह अपने पति के लिए लगाएगी, खासकर सिंदूर और बिंदी और रंग, ये सारी चीज़ें तो मायने बहुत ज़्यादा रखती हैं। इस पर हमने विचार किया कि हम क्यों ना इस मुद्दे पर चर्चा करें जहां पर समाज ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करती है, और हमारी रिपोर्टर ने इस पर शो किया, बहुत सारे लोगों के पास गई, उनसे बातचीत करी और ये वाला शो भी आपको बहुत पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने वाहवाही दी है और बोला कि बहुत अच्छे मुद्दों पर हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं। लेकिन उसका मैं एक सवाल आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है आरिफ खान, ये लिखते हैं कि पुरुषों के माथे पे पड़ने वाली सिकुड़न की लकीरें बता देती हैं कि वे शादीशुदा हैं, अब और क्या सबूत चाहिए। अब देखिए आरिफ भाई भी, आपने जो सवाल भेजे हैं या जो कमेंट कहे हैं इसको मैं बोलूँगी कि ये भी एक तरह का मजाक आपने किया है या टांट कसा है। ये बताइए कि माथे पर सिकुड़न क्या सिर्फ मर्दों के पड़ती है, औरतों के नहीं पड़ती है? सिकुड़न तो सिकुड़न है भाई, या खलरी या चाहे जेका सिकुड़ जाए, तो जेका सिकुड़न पड़ जाए तो उनका काम मान लो कि शादीशुदा है। तो इससे अच्छा है कि ये समाज ये स्वीकारे कि महिलाओं के लिए भी वो सिकुड़न स्वीकार करे, बिंदी सिंदूर महाऊर और इतने सारे गहना गुड़िया के लिए क्यों लागू किया गया है, वो भी तो एक तरह की इंसान है। और हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर लोग इसमें और भी चर्चा करना चाहें, अपने अपने कमेंट पेश करें, अपनी अपनी राय पेश करें, तो वो भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा एक और शो चलता है जिसका नाम है कविता शो। पिछले एपिसोड में मैंने कृषि विधेयक 2020 जो 3 बिल लाई है इसमें सरकार, जिसको लेकर के किसान धरने पर बैठे हुए हैं और वो इस बिल को हटाने की मांग कर रहे हैं, इस पर मैंने चर्चा किया था। ये वाला शो आपको पसंद आया है, इसका एक सवाल मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं और यूट्यूब में जो इनका नाम शो कर रहा है आला आला करके है, तो आला जी लिखते हैं
सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। देश का किसान सच्चा है लेकिन सरकार निकम्मी है। आपका वीडियो देखकर अच्छा लगा, आपका धन्यवाद जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आला जी, मुझे अच्छा लगा कि किसानों के की जो चर्चा मैंने की थी और आपको ये शो पसंद आया है, और आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और हुआ ऐसे ही, 12 तारीख को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार किसानों के मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाए और फैसला ले। तो दोस्तों, इतने सारे सवाल भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। अगर ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए। जो बगल में एक घंटी टाइप में आपको दिखती होगी, आप उसको ज़रूर से दबा दीजिए ताकि जो भी मेरे नए शो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरा शो बस नहीं है, बहुत सारे शो चलते हैं खबर लहरिया में, अलग अलग लोग अपने शो करते हैं तो उनके शो भी आपको मिले। खबर लहरिया के जो अच्छी अच्छी खबरें हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, तहकीकात वाली रिपोर्टिंग है, वो भी आप तक पहुँचे। और भी अगर आप कोई मुद्दों पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे साथ में शेयर करिए, अपनी राय जरूर से दें, टिप्पणी जरूर से करें कि आपको शो कैसे लगता है। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके कुछ नए सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।